हेलो एंड वेलकम दिस इज डॉक्टर राजी और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएस पे गुड इवनिंग चलो भाई सभी को गुड इवनिंग स्टार्ट करें तो एनिमल किंगडम कल हमने स्टार्ट किया था और आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे बड़ा चैप्टर है डाइवर्सिटी चैप्टर में बोला ना सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी है तो प्लांट किंगडम खत्म कर लिया था और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम कल भी हमने इसका एक पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था अब आज हम लोग एक एक फाइलम करके शुरू करेंगे ठीक है एक एक फाइलम करके हम लोग शुरू करेंगे ओके चलिए ओके गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो भाई आ जाओ तो टोटल कितने फाइलम होते हैं सबसे पुराने फाइलम से शुरू करते तो सबसे पुराने फाइलम से शुरू कर रहे हैं भाई पोरी फेरा प पो से पोरी फेरा प पो से पुराना ठीक है सबसे पुराना फाइलम पोरी फेरा का मतलब क्या होता है पोर का मतलब पोरी पोर ठीक है तो पोर शब्द का मतलब होता है छिद्र यानी कि छेद तो इनके शरीर के अंदर बहुत सारे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेद को पता है क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है ऑस्टिया इनको क्या कहा जाता है ऑस्टिया ठीक है इमेजिन करो इनका शरीर ना कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है कुछ इस तरीके का दिखता है पूरे शरीर में छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं ठीक है ऐसे नहीं एक्चुअली रुक जाओ मैं आपको बना के बताती हूं इनके शरीर में इस तरह से इस तरह से छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं और इन छेदों का नाम क्या है इनका नाम है ऑस्टिया ठीक आपको मैंने बताया था कि जीवन पानी से शुरू हुआ था तो ये जो है ये टोटल पानी में पाए जाते हैं तो पोरीफेरा के जितने भी सदस्य हैं वो पूरे कहाँ पे पाए जाएंगे पानी में पाए जाएंगे कभी आपको आसपास चलता हुआ कोई पोरीफेरा फाइलम का सदस्य नहीं दिखेगा क्योंकि ये पूरे पानी के अंदर ही पाए जाते हैं ठीक है एक घड़ा इमेजिन कर लो और जिसमें बहुत सारे छेद हैं कुछ इसी तरह का पोरीफेरा के सारे सदस्य दिखेंगे ठीक है इन्हीं छेद के माध्यम से पानी घुसेगा शरीर के अंदर और यहां से पानी बाहर ठीक है जैसे मान लो कि सर पे एक कोई छेद है तो यहां पर एक और छिद्र होता है जिससे पानी बाहर तो इधर से पानी अंदर आया और इधर से पानी बाहर आ गया शरीर में शरीर में छोटे छोटा छोटा इनका शरीर जो है स्केलेटन से बना हुआ होता है कंकाल से बना होता है जिसको स्पिक्यूल कहते हैं ठीक है थीके? तो आपको इसमें याद ये रखना है कि सबसे पुराना फाइलम है इसमें आपको मैंने बता दिया था कि सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ कोशिकाएं होती हैं इनके शरीर में छिद्र होते हैं सारे के सारे पानी में रहते हैं ठीक है इन पान इस और इस छेद को हम क्या कहते हैं ऑस्टिया कहते हैं इनके जितने सदस्य हैं उनका हम एक नाम देते हैं वो है स्पॉन्जिस उनका नाम हम क्या देते हैं स्पॉन्जेस ओके आ जाइए अब इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ठीक है इनके एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं ठीक है कौन कौन से एग्जाम्पल्स है इनके इनके एग्जाम्पल्स है साइकॉन ये जो देख रहे हो ये है साइकॉन ठीक है साइकॉन यूप्लेक्टेला स्पॉन्जिया यू स्पॉन्जिया ठीक है ये सब इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं और इनके सारे सदस्यों को इकट्ठे किस नाम से जाना जाता है तो सारे सदस्यों को इकट्ठे जाना जाता है स्पॉन्जिस के नाम से ठीक है स्पॉन्जिस के नाम से जाना जाता है तो ये क्या है भाई ये है यू स्पॉन्जिया यू स्पॉन्जिया ये क्या है ये है आपका यूप्लेक्टेला 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 ठीक है ये यूप्लेक्टेला के नाम से जाना जाता है तो इतनी सी बात आपको जाननी है पोरीफेरा के बारे पोरीफेरा के बारे ठीक है तो शरीर के अंदर छिद्र होते हैं पानी में पाए जाते हैं छेद को सॉरी ऑस्टिया कहते हैं और इनके जो भी मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस नाम देते हैं और एक दो एग्जाम्पल्स एक तो ये पहले फाइलम की बात हुई अब इनके जितने भी सदस्य हैं ठीक है इनके जितने भी सदस्य हैं सब एक जगह स्थिर रहते हैं बिल्कुल हिल नहीं सकते सारे के सारे एक जगह स्थिर रहते हैं ठीक है तो ये सारे नॉन मोटाइल हैं, बिल्कुल एक जगह पर स्थिर रहते हैं आगे चले हम लोग आगे चले दूसरे पे बात करें दूसरे की बात करें सीलेंट्रेटा और निडेरिया सीलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम निडेरिया है मैंने आपको क्या बोला था कि पहले फाइलम में सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ और सिर्फ कोशिकाएं होती हैं और सेकंड और थर्ड में क्या होते हैं उन्हीं सेल से टिश्यूज बनते हैं यानी कि जो ऊतक होते हैं वो बनते हैं तो पोरीफेरा के जितने सॉरी पोरीफेरा में सिर्फ सेल्स होती हैं सेकंड नंबर पे जो फाइलम है उसमें सेल से टिश्यूज बन गए यानी कि ऊतक बन गए ठीक है और ये बहुत इनके क्या होते हैं ये निडर क्यों होते हैं मैंने कहा ना इनके नाम में है ना निडेरिया निडर निडर क्यों होते हैं क्योंकि इनके शरीर में बिल्कुल धागे जैसी चीजें होती हैं जिससे ये आपको चोट पहुंचा सकते हैं ठीक है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है है ना कोई भी तरह का ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम मौजूद यहां पर नहीं होता क्लियर है ये वाली बात? बात मेंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो कल ही मैंने आपको इसका नाम बताया था जेलीफिश, ठीक है जेलीफिश आपको मैंने कल ही बताया था जेलीफिश जो है वो भी इसी इसी की एक मेंबर है ठीक है हाइड्रा हाइड्रा जो है हाइड्रा भी इसी का सदस्य है जेलीफिश है हाइड्रा है इसके बाद कोरल या मूंगा कोरल या मूंगा जो है ये सभी इसके सदस्य हैं। आपने एक चीज यहां पर मार्क की होगी कि यहां पर फिश लिखा हुआ है है ना यहां पर फिश लिखा हुआ है ठीक है पर ये क्या है वास्तविक फिश नहीं है ये सच्ची मछली नहीं है ये झूठी मछली है ये अवास्तविक मछली है ठीक है हम क्यों इसको अवास्तविक मछली कहेंगे इसका जवाब आपको कल के क्लास में मिलेगा ठीक है क्योंकि ये क्लास स्पाइसिस आपको मैंने बताया था जो संघ रज्जु की है जो फाइलम कॉर्डेटा है वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है उसी में एक क्लास है क्लास स्पाइसिस तो क्लास स्पाइसेज में जितनी भी फिशेज हैं वो सब वास्तविक मछलियां हैं वो सब ट्रू फिशेस हैं उनके अलावा बाकी अलग फाइलम बाकी अलग संग में जिनके भी नाम के सामने फिश लिखा है वो सब क्या है वो सब फॉल्स फिशेस हैं यानी कि अवास्तविक मछलियां हैं तो जेली फिश क्या है ये भी एक फॉल्स फिश है जेली फिश क्या है ये भी एक फॉल्स फिश है यानी कि अवास्तविक मछली है ये भी क्या है एक अवास्तविक मछली है तो कोई आपसे पूछे क्या जेली फिश ट्रू फिश है नहीं जेली फिश जो है वो फॉल्स फिश है यानी कि एक अवास्तविक मछली है क्लियर है ठीक आगे चले तीसरे नंबर पे आ जाए तीसरे नंबर पे आ जाए तीसरा नंबर है संग टीनोफोरा तीसरा नंबर क्या है फाइलम टीनोफोरा या संघ टीनोफोरा और मैंने आपको बताया था ये दूसरी और तीसरी जो संघ है ना ये दोनों सौतेली बहने हैं दोनों के बहुत सारे गुण हैं जो एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं दूसरे से बहुत सिमिलर है ये अलग फाइलम क्यों बन गया आपकी एनसीआरटी में इसको एक ही फाइलम दिया हुआ है लेकिन मैं आपको इलेवन स्टैंडर्ड का ये पॉइंट पढ़ा दे रही हूं कि ये अलग एक फाइलम है ठीक है टीनोफोरा फोरा एक अलग से तीसरा फाइलम है तीसरा संघ है इनके इनका जो सदस्य है उनको कॉम्ब जेली का नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है कॉम्ब, जे, कॉम्ब तो ना ये अलग क्यों है क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था ये बायोल्यूमिनेसेंस नाम की प्रॉपर्टी शो करती है ठीक है तो ये अलग क्यों है क्योंकि ये बायोल्यूमिनिस नाम की प्रॉपर्टी नाम का गुण दिखाता है तो बायोल्यूमिनि है ना जिसको जीव दीप्ति कहते हैं क्योंकि टीनोफोरा के सदस्य ये दिखाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूछा जा सकता है कि उस फाइलम का नाम बताइए जिसके सदस्य आपको बायोल्यूमिनिशेंस दिखाते हैं ठीक है जीव दीप्ति दिखाते हैं और वो है संघ टीनोफोरा ठीक है तो सी वॉलट जो है ये इसका एग्जाम्पल है जिनको इकट्ठे कॉम जेली का नाम दिया जाता है ठीक है ये तीनों फाइलम क्लियर हैं आप लोगों को अब चलेंगे चौथे फाइलम के तरफ ठीक है अब हम चलेंगे चौथे फाइलम के तरफ चौथे संघ के तरफ जिनको हम कहते हैं फ्लैट वम क्या कहेंगे फ्लैट वर्म या प्लेटी हेलोमिंथस ठीक है, फ्लैट वर्म या चपटे क्रिमी यानी नाम से समझ में आ रहा है ये चपटे प्लैटी प्लेटी की बहुत सारी खास बातें हैं अगर आपको याद हो कल वाला टेबल अगर याद हो तो पहला ट्रिप्लो ब्लास्टिक फाइलम यही था याद है इसके पहले जो थे पोरीफेरा में जर्म लेर होता ही नहीं था बाकी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक थे पहला ट्रिपलो ब्लास्टिक फाइलम प्लेटी हेलमिंथस था सबसे पहले ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिंथस में ही दिखाया गया था है ना ये कल की क्लास के आपको मैं पॉइंट्स बता रही हूं तो सबसे पहले ट्रिप्लो ब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म ये तीनों लेयर सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथस में ही देखे गए थे और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन अंग भी प्लाटी हेलमिंथस में ही बना था ठीक है प्लाटी हेलमिंथस अच्छा फाइलम नहीं है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो पैरासिटिक हैं यानी कि परजीवी हैं पैरासिटिक कौन होता है परजीवी कौन होता है जो दूसरे से क्या प्राप्त करे जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो किसी दूसरे पर आश्रित हो ठीक है टेप फीता क्रिमी इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है एक इंपॉर्टेंट सदस्य है और ये टेप वर्म आपके इंटरस्टाइन में रहता है आपके आंत में रहता है ठीक है लिवर फ्लूक लिवर फ्लूक भी इसी का सदस्य है ठीक प्लेनेरिया ये सब इसी के सदस्य हैं। तो एग्जाम्पल अच्छा ये ऑलरेडी लिखा है टेप वर्म जिसको हम फीता कृमि कहते हैं टेप वर्म यानी कि फीता कृमि लिवर बहुत गंदा बहुत बहुत गंदा बहुत ही ऐसा फाइलम है जो आपको बीमारियां देता है ठीक है ये पैरासिटिक होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया प्लेनेरिया इसका एक ऐसा सदस्य है जो कि नॉन पैरासिटिक है यानी कि जो परजीवी नहीं है ठीक

और मेरी कोशिश है कि आपको मैं क्लास का क्लास में ही याद करा दूं इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से जल्दी जल्दी बताएंगे बहुत बहुत जल्दी से बताएंगे फटाफट से बताएंगे चलिए चलो भाई फटाफट से बताओ हम्म hmm. क्लियर है चलिए आगे बढ़ रही हूं ठीक है ओके समझ में आई बात गुड आ जाओ नेक्स्ट फाइलम पे अब हम चलते हैं एसखल फाइलम एस्कस यानी इसको हम क्या नाम देंगे हम इसको नाम देंगे राउंड वर्म या गोल कृमि हम इसको नाम देंगे राउंड वर्म या गोल कृमि ठीक है एस्कल की मैं बात करूं अगर कल की क्लास से तो क्या आप में से कोई मुझे पॉइंट बता सकता है कल की क्लास में हमने एसकल मिंथिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था जल्दी से मुझे आंसर करेंगे जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ यही फाइलम है जो चलिए मैं आंसर का वेट कर रही हूं क्या आप में से कोई है जो आंसर कर सकता है जल्दी जल्दी से देखू मैं भी कि कितने लोग हैं जो आंसर कर पाते हैं <clears throat> अभी तक आंसर नहीं आया है मेरे पास ये yes, सैयद बहुत बहुत बढ़िया सीडो सिलोमेट एक लौता फाइलम है जिसके पास झूठा सीलोम है यानी कि वैसा सीलोम जो मीसोडर्म जिसके आसपास पास नहीं है वेरी गुड सैयद जी बहुत बहुत बढ़िया आप एक लौते हैं जिन्होंने आंसर किया है इतने सारे लोग अभी लाइव हैं बट सिर्फ सैयद जी का जवाब आया है बहुत बहुत बढ़िया सो so, एक लौता ऐसा फाइलम जो क्या है जिसके पास सीडो सीलोम है वो है फाइव एस चलिए अब अब काफी लोगों का जवाब आने लगा जब एक जवाब तो, लोगों ने जवाब देना शुरू किया चलिए ठीक है गुड बहुत बहुत बढ़िया चलो इसमें कौन से आते हैं इसमें सारे राउंड वर्म आते हैं यानी कि गोलक्रीमी आते हैं इनमें से कुछ पैरासिटिक हैं कुछ परजीवी हैं और कुछ परजीवी नहीं है ठीक है जैसे कि एसकेरिस ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एसकेरिस की है ठीक है ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एस्कैरिस नाम के एक परजीवी की है जो आपको बीमारी करती है उस बीमारी का नाम है एस्कैरियासिस एस्कैरियासिस नाम की बीमारी करता है ये एस्कैरिस कौन सी बीमारी करता है एस्कैरियासिस ठीक है ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपके इंटेस्टाइन में आपके आंत में बहुत सारे एस्कैरिस का इंफेक्शन हो जाता है और आपके मल में भी इसके जो छोटे छोटे अंडे होते हैं ना वो नजर आते हैं तो एस्कैरिस जो है एस्कैरियासिस नाम की बीमारी करता है दूसरा राउंड वर्म दूसरा गोलक्रीमी जो आपको याद रखना है वो है वो बैनक्राफ्टी वो कौन सा है उसका नाम है वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या करता है ये जो है ये एक बीमारी करता है जिसका नाम है पाइलेरिया रोग या फाइलेरियासिस इसको हिंदी में हाथी पाओ रोग भी कहते हैं हाथी पाओ रोग हाथी पाओ रोग क्यों क्योंकि इसमें जो पैर होते हैं ना वो इतने सूझ जाते हैं जैसे मान लो किसी हाथी के पैर हो तो हाथी रोग कौन करता है है एक एक तरीके का राउंड वर्म जिसका नाम है वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये सवाल आता है आपके एग्जाम्स में वुशरेरिया शरेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या करता है उस बीमारी को इंग्लिश में एलिफेंटियासिस भी कहते हैं फाइलेरियासिस भी कहते हैं और हिंदी में हाथी पाओ रोग के नाम से भी जानते हैं ठीक है क्लियर है आगे चले हम लोग आगे चले एसरिस और ये कौन सा संघ था आपका एस्खल मिंथस संघ एस्खल मिंथस स्यूडो में यहां पे लिख रही हूं एक लौता ऐसा फाइलम जिसके पास झूठा सिलोम है स्यूडो वाला सिर्फ एक लौता फाइलम है ना इसके पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े थे किसी के पास भी सीलोम नहीं था है ना और इसके बाद जितने भी फाइलम पढ़ेंगे सबके पास सीलोम है। है सबके पास सीलोम होगा <coughs> एक सेकेंड तो पांचवा फाइलम हमने पढ़ा एसमिथिस छठे फाइलम पे आ जाएंगे एनिलीडा संघ एनीडा एनिलीडा शब्द का मतलब ही होता है जिनका शरीर खंडों में विभाजित है या जिनकी बॉडी सेगमेंटेड है ठीक है का मतलब ही है जिनका शरीर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है जिनका शरीर खंडों में विभाजित है ठीक है इसको अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो आप पाएंगे कि इनके शरीर में आप ये छोटे 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 छोटे, -छोटे लाइंस पाते हैं यानी इनका शरीर खंडों में विभाजित है सेगमेंटेड बॉडी है इनकी एग्जाम्पल लीच है ना ये क्या है यानी जिसको friend कहा जाता है, किसान का दोस्त कहा जाता है अर्थवर्म को इसके बाद कन खजूरा कन खजूरा जिसको इंग्लिश में हम नेरिस कहते हैं ये सब के सब एनी लीडा को बिलोंग करते हैं ये सब के सब एनिलीडा के सदस्य हैं संघ एनलीडा के ये सारे सदस्य हैं ठीक क्लियर आगे चले सातवें फाइलम पे चले आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट फाइलम बहुत बहुत जरूरी बात सबसे बड़ा फाइला या सबसे बड़ा संघ सब पूरे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अगर कोई है तो वो कौन सा है वो है आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा में ही सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं पूरा का पूरा कीट वर्ग जो है पूरा का पूरा कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा में ही आता है ठीक है आर्थ्रोपोडा जो है ना शब्द का मतलब क्या है आर्थ वर्ड का मतलब होता है जॉइंट यानी कि जुड़े हुए ठीक है आर्थ जो शब्द है उसका मतलब होता है जॉइंट या जुड़े हुए और पोडा शब्द का मतलब होता है पैर हाथ पैर जो उपांग होते हैं ठीक है तो मतलब कि जो इनके उपांग होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं ठीक एक बात आप याद रखेंगे कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं पूरा का पूरा कीट वर्ग किस में आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है ठीक है परिभाषा परिभाषा जो है इंसेक्ट्स की वो क्या होती है कि इंसेक्ट्स के तीन पेर ऑफ लेग्स होते हैं इंसेक्ट हम इंसेक्ट उसको कहते हैं कीट वर्ग वो होता है जिनके पास तीन जोड़ी पैर होते हैं ठीक है स्कॉर्पियो और स्पाइडर ठीक है स्कॉर्पियो और स्पाइडर यानी कि जो बिच्छू है मकड़ी और बिच्छू जो है वो अलग हैं। मकड़ी और बिच्छू इंसेक्ट नहीं है क्योंकि मकड़ी और बिच्छू में चार जोड़ी पैर है ठीक है तो मकड़ी मकड़ी और बिच्छू इंसेक्ट नहीं है क्योंकि उनमें चार जोड़ी पैर है लेकिन फिर भी वो भी संघ आर्थ्रोपोडा में ही आएंगे ठीक तो आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आएंगे पूरा का पूरा कीट वर्ग आएगा जो भी आप इंसेक्ट्स देखते हैं जो भी आप कीड़े देखते हो सब के सब कीट इसी में आएंगे आर्थ्रोपोडा में ठीक है इंसेक्ट कौन है कीट कौन है जिसके पास तीन जोड़ी पैर है, यानी कि टोटल छह पैर है एक्सेप्शन अपवाद क्या है स्पाइडर स्कॉर्पियो जो बिच्छू है जो मकड़ी है उनके पास फोर पैर ऑफ लेग्स है चार जोड़ी पैर हैं लेकिन फिर भी भले वो इंसेक्ट नहीं कहलाते वो कीट वर्ग में नहीं आते पर फिर भी वो इस संघ आर्थ्रोपोडा में आएंगे ठीक है तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं रखेंगे वो सारे संघ आर्थ्रोपोडा में आएंगे क्लियर है ये वाली बात आपको आगे चलू मैं जल्दी से बताएंगे क्या ये वाली सारी चीजें आपको क्लियर है आर्थ्रोपोडा में सब आएंगे कॉकरोच का आप ध्यान रखेंगे कॉकरोच के पास तेरा कक्ष हृदय होता है ठीक है कॉकरोच के पास तेरह कक्ष हृदय होता है कॉकरोच के बारे एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे थर्टीन इन हार्ट थर्टीन चेम्बर्स इन हार्ट इनके हृदय में तेरह कक्ष होते हैं ठीक क्लियर है यहां पे फटाफट से आंसर करेंगे बहुत बहुत जल्दी से आंसर करेंगे मुझे यहां yes कीट वर्ग वो होते हैं जिनके पास तीन जोड़ी या छह पैर होते हैं चलो भाई आगे चले हम लोग बहुत बढ़िया तो ये था संघ आर्थ्रोपोडा के बारे। आ जाइए इकाइनो पे इकाइनो शब्द का मतलब क्या होता है कांटे डर्म का मतलब होता है त्वचा तो इकाइनो कौन है जिनके शरीर पर कांटे हैं है ना? वही है आपके इकाइनोडर्मेटा जिनके शरीर पर काटे, है है काटे मौजूद हैं ठीक एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे स्टारफिश, स्टारफिश, ठीक है अब मुझे कौन बताएगा क्या स्टारफिश, क्या तारा मछली एक ट्रू फिश है या फॉल्स फिश है जल्दी से मुझे बताएंगे स्टारफिश जो है तारा मछली जो है क्या वो वास्तविक मछली है या अवास्तविक मछली है क्या वो ट्रू फिश है या क्या वो फॉल्स फिश है फटाफट पट से आंसर करेंगे इस प्राणी का नाम है सी क्यूकम्बर हिंदी में कहेंगे हम समुद्री समुद्री खीरा हम्म फिश फिश है या फॉल्स फिश है यस वेरी गुड बहुत बहुत बढ़िया ये भी क्या होगा ये भी एक फॉल्स फिश है है है, ना? ये भी एक यानी कि वास्तविक मछली है ये भी एक अवास्तविक मछली है बिल्कुल सही बहुत सही जवाब आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस चले क्वेश्चन कह रही हूँ नेक्स्ट इस पे क्या कहते हैं अगले फाइलम पे चलते हैं बहुत बहुत बढ़िया तो इकाइनो डरमेटा समझ में आ गया इकाइनो मतलब कांटे और डर मतलब त्वचा चलो नाइन्थ फाइलम पे चलते हैं मोलस्का ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ठीक है ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा बड़ा संघ जो है वो फाइलम मुलस्का ही है ठीक है मोलस्का का मतलब क्या है जिनका शरीर मुलायम है ठीक तो मुलस्का का क्या मतलब है जिनका शरीर बहुत ज्यादा मुलायम है वो मुलस्का के नाम से जाने जाते हैं ये गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेते हैं ठीक है जैसे फिशेस के पास गिल्स होते हैं गलफड़े होते हैं वैसे ही इनके पास भी गिल्स होते हैं एग्जाम्पल ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश कहेंगे फिर से बताओ डेविल फिश ऑक्टा मतलब एट यानी इसके आर्म्स होते हैं डेविल फिश फिश ट्रू है या फॉल्स फिश है डेविल फिश ट्रू फिश है या फॉल्स फिश, 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 फिश है जल्दी से बताएंगे सेपिया इसका एक सदस्य है जिसको कटल फिश कहा जाता है अब मुझे बताइए कि ये डेविल फिश ये कटल फिश ये सब ट्रू फिश है या फॉल्स फिश है चलिए फटाफट से बताएंगे ऑक्टोपस को ही हम डेविल फिश कहते हैं और सेपिया को हम कटल फिश के नाम से जानते हैं ट्रू कैसे हो जाएगा आसमा? कैसे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पाइसेस में जो फिश आएंगी वो ट्रू फिश है यस yes, ये दोनों फॉल्स फिश हैं ये दोनों के दोनों फॉल्स फिश हैं यानी कि अवास्तविक मछलियां हैं बहुत सही दोनों आपकी फॉल्स फिश ठीक है स्क्विड क्या है स्क्विड के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है स्क्विड बहुत लोग खाते हैं स्नेल जानते हैं ना क्या होता है स्क्विड बहुत लोग खाते हैं स्क्विड जो है ना स्क्विड लार्जेस्ट इन वर्टिब्रेट है ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं लार्जेस्ट इन वर्टिब्रेट यानी इनवर्टिब्रेट जिसके पास क्या है जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड नहीं है कल क्या बताया था आपको कि जिनके पास नोटो है वो कॉडेट कहलाएंगे और या रज्जुकी कहलाएंगे और नोटोकॉड ही नोटोकॉड ही आगे जाके आपका पीछे रीढ़ की हड्डी बनाता है ठीक है तो स्क्विड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है यानी जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट कौन है वो है स्क्विड ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है ठीक है ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है ठीक है <coughs> ठीक है आगे चले आगे चले स्नेल यानी कि घोंगा नहीं सैयद ऐसा नहीं कि जिनके नाम में फिश है वो सब फॉल्स फिश होंगे ऐसी बात नहीं है ठीक है अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्टोन फिश वो एक ट्रू फिश होगी ठीक है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जिनके नाम में फिश लगा है वो सब फॉल्स फिश ही हो जाएगी ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चलिए मस्कीटो फिश जिसको गम्बूजिया कहते हैं वो भी तो ट्रू फिश है ठीक है ये मोलस्का हो गया ठीक है चलिए भाई अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे यही स्क्विड है ये स्क्विड है ये स्नेल है यानी घोंगा ये आपका ऑक्टोपस डेवल फिश ये सेपिया यानी आपकी कटल फिश ठीक ओके आगे चले हम लोग दसवे फाइलम पे आ जाओ हेमिकॉडेटा पहले ये कॉडेटा में आता था ठीक है पहले ये कॉडेटा में आता था फिर इसके कॉडेट्स वाले गुण नहीं थे तो इनको हटा के क्या कहा गया इनको हटा के कह दिया गया कि आप भाई कॉडेटा नहीं हैं, आप रजु की नहीं हैं, आप में आधे गुण हैं, इसीलिए आप हेमी कॉडेटा हैं, ठीक है आप क्या हैं? आप जो हैं भाई हेमी कॉडेटा हैं ये सब मरीन हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं ये सब के सब समुद्र में पाए जाएंगे और कुछ इस प्रकार के दिखेंगे इसका नाम क्या है बलानो ग्लॉसिस क्या नाम है बलानो ग्लॉसिस ठीक है जल्दी जल्दी से बताएंगे अभी हमने दसों फाइलम खत्म कर लिए हैं दसों हमने नॉन कॉर्डेट्स खत्म कर लिए हैं अब हम कॉर्डेट्स पे आएंगे फटाफट से बताएंगे क्या चीजें क्लियर हुई हैं आपको साथ के साथ याद हुआ है चलिए जल्दी से बताइए बहुत बहुत जल्दी से बताएंगे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं चलो बढ़िया गुड क्लियर हो गया इतना बहुत बहुत बढ़िया चलिए आगे चल रहे हैं फिर अब मैं कॉडेटा शुरू कर रही हूं ठीक कॉडेटा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कुछ शब्द बताना चाहूंगी वो ध्यान से आप समझेंगे हम्म <clears throat> चलिए दो वर्ड्स पहले आप समझेंगे एक वर्ड है डॉर्सल और दूसरा वर्ड है वेंट्रल ठीक है एक शब्द है डॉर्सल और दूसरा शब्द है वेंट्रल डॉर्सल शब्द का मतलब है पीछे और वेंट्रल शब्द का मतलब क्या है आगे ठीक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका हार्ट डॉर्सल है या वेंट्रल है तो आपका क्या जवाब होगा डॉर्सल शब्द का मतलब है पीछे यानी कि बैक वेंट्रल वर्ड का मतलब है आगे तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपका हार्ट डॉर्सल है या वेंट्रल है तो क्या जवाब होगा आपका फटाफट से आंसर करेंगे जल्दी जल्दी बताएंगे आपका हार्ट डॉर्सल है या वेंट्रल है चलेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट से ठीक है? गुड आपका हार्ट वेंट्रल है आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी रीढ़ की हड्डी डॉरसल है आपका हार्ट जो है वो वेंट्रल है ठीक है बहुत बहुत गुड वेरी वेरी गुड चलिए आगे चल रहे हैं ठीक तो अब यहां पे कॉर्डेट्स के कुछ गुण होते हैं ठीक कॉर्डेट्स के रज्जुकी के कुछ गुण होते हैं क्या सबसे पहले कॉर्डेट का खास गुण क्या है कि वो है जिसके पास नोटोकॉर्ड है।, है? है, नोटो है अगर मान लो कि मैंने ये कॉर्डेट बनाया है तो ये साइड डॉर्सल होगा है ना और ये साइड वेंट्रल होगा वेंट्रल शब्द का मतलब है आगे डोर्सल शब्द का मतलब है पीछे ठीक है क्लियर है देखिए तो ये अगर आपको दिख रहा है इसको मैं कहूंगी नोटोकॉड ये क्या है नोटो कॉड नोटोकॉड इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको हम हिंदी में कहेंगे पृष्ठ रज्जू इसको हम कहेंगे पृष्ठ रज्जू तो नोटोकॉड कहां पर होगा सल होगा या वेंट्रल होगा जाहिर सी बात है नोटोकॉड डॉर्सल होगा क्योंकि यही नोटोकॉड जो है यही नोटोकॉड जो है यही पृष्ठ रज्जु जो है ये आगे चल के आपका वर्टीब्रा बनेगा यानी आपकी रीढ़ की हड्डी बनाएगा ठीक है आपकी रीढ़ की हड्डी इसी से बनेगी ठीक है तो रीढ़ की हड्डी इसी नोटोकॉड से बनेगी ठीक है तो कोई भी आपसे पूछे कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में कहा होता है तो आप क्या बोलेंगे डॉर्सली होता है है ना डॉर्सल शब्द का मतलब ही है पीछे तो नोटोकॉर्ड पर मौजूद है ठीक है थीके? क्लियर है ये बात अब देखिए नोटोकॉर्ड के भी पीछे नोटोकॉर्ड के भी पीछे एक और इस तरह से चीज होती है जिसको नोटोकॉर्ड के और पीछे जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड जिसको क्या कहते हैं नर्व कॉर्ड इसी नर्व कॉर्ड से आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका मेरु और आगे चल के आपका ब्रेन डेवलप होता है ठीक है नोटो कॉर्ड के भी पीछे क्या मौजूद है नर्व कॉर्ड और इसी नर्व कॉर्ड से आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका मेरु रज्जू और आपका ब्रेन यानी आपका मस्तिष्क बनता है ठीक है तो नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड दोनों कहां पर मौजूद हैं डोरसल या वेंट्रल क्या जवाब देंगे डॉर्सली मौजूद हैं नोटोकॉर्ड से आपका वर्टिवल कॉलम बनेगा रीढ़ की हड्डी बनेगी नर्व कॉर्ड से आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका मेरु रज्जु बनेगा और आपका ब्रेन बनेगा ठीक है या यू हम कहें तो आपका नर्वस सिस्टम आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो आपके नर्व कॉर्ड से बनेगा क्लियर है ये वाली बात आगे चले हम लोग आगे चले चलिए ओके गुड आ जाओ अब आइए कॉडेटा ठीक है कॉडेटा जो संघ कॉडेटा है जो संघ की है उसके आगे कुछ डिविजन्स होते हैं ठीक है उसी कॉडेटा के आगे कुछ डिविजन्स होते हैं कैसे तीन डिविजन्स हैं यूरो यूरोडेटा सिफेलो कॉडेटा एंड वर्टिब्रेटा ठीक है कॉडेटा कॉडेटा कौन है जिसके पास नोटोकॉड है उसी कॉडेटा के आगे चल के तीन और डिविजन्स हैं यूरोडेटा सिफेलोकॉडेटा वर्टिब्रेटा यूरो शब्द का मतलब पता है क्या होता है टेल यानी कि पूछ यूरोडेटा वो कॉडेट्स हैं जिनमें नोटोकॉड सिर्फ टेल में होता है जिनमें पृष्ठ रज्जु सिर्फ और सिर्फ पूछ में होती है यूरोडेटा दोबारा से बोल रही हूं ध्यान से सुनेंगे यूरोडेटा के आगे चल के तीन और डिविजन होते हैं सॉरी कॉडेटा के आगे चल के तीन और डिविजन्स होते हैं यूरोडेटा सिफेलो कॉडेटा यूरो शब्द का मतलब है टेल यानी कि पूछ ठीक है तो यूरोडेटा वो कॉडेट्स हैं जिनके पास नोटोकॉड सिर्फ और सिर्फ टेल में होता है यानी सिर्फ और सिर्फ पूंछ में होता है ठीक है दूसरा आइए सिफेलो सिफेलो का मतलब है सिर सिफेलो कॉडेटा वो कॉडेट्स हैं जिनका नोटो सिर से लेके नीचे तक होता है जैसे मौजूद होता है ठीक है सिफेलो कॉडेटा वो कॉडेटा हैं जिनका जो नोटोकॉड है वो बिल्कुल पूरे बॉडी में मौजूद होता है और फिर आते हैं वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा यानी कि हम लोग ठीक है फिर आते हैं जिनका नोटोकॉड नोटोकॉड बदल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में ठीक है फिर वो आते हैं जिनका नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है ठीक है यूरोकॉर्डेटा और सिपैलोकॉडेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है राइट यूरोडेटा सिफेलोकॉडेटा दोनों को इकट्ठे हम लोग प्रोटोकॉडेटा का नाम देते हैं क्लियर है ये बात जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे बहुत बहुत जल्दी से बहुत बहुत जल्दी से बताएंगे क्लियर है थोड़ी सी समझने वाली चीजें यह चैप्टर ऐसा है कि आपको एक बार में याद भले हो जाएगा लेकिन आपको बार बार उसको लिख लिख के चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी नोट्स बनाने पड़ेंगे चैप्टर के यूरो का मतलब टेल यानी इसके सिर्फ टेल में नोटोकॉड है इसके पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रेटा में मतलब हमारा जो हमारे में जो नोटोकॉड है वही वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया है इन दोनों को मिलाकर हम प्रोटोकॉड्रेटा का नाम देते हैं ठीक है यस yes, एग्जाम्पल पे आ रही हूं सैयदाम्पल पे आ रही हूँ आपको नाम दिखा रही हूं चलिए यूरोड्रेटा के ये तीन एग्जाम्पल हैं जैसे एसीडिया सेल्पा डोलियोलम ठीक है मुश्किल नाम है ये नाम आपसे पूछे नहीं जाएंगे आपके लेवल पे ये नाम पूछे नहीं जाएंगे इसलिए बहुत ज्यादा इस पर दिमाग खराब ना करें एसीडिया सेल्पा डोलियोलम ये तीन एग्जाम्पल्स हैं यूरोडेटा के ठीक है पर मैं दोबारा से बोलूंगी कि पीसीएस वगैरह में इतना डिटेल में एनिमल किंगडम मैंने नहीं देखा कि यूरोकॉडेटा के अंदर उसके सवाल पूछे जाते हैं ठीक है ओके okay? तो अगर आप याद कर सकते हैं तो आप आपकी मर्जी है बट इतना स्ट्रेस मैं नहीं कहूंगी कि आपको इस पर देना चाहिए नेक्स्ट आ जाइए सिफेलोकॉडेटा इसका आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है एम्फियोक्सस एम्फियोक्सस ये सिफेलोकॉडेटा है ठीक है इसका आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है एम्फियोक्सस क्या एग्जाम्पल याद रखेंगे एम्फियोक्सस ठीक चलिए अब आएंगे फाइनली वर्टिब्रेटा पे ठीक है अब हम लोग किस पर आएंगे वर्टिब्रेटा पे तो वर्टिब्रेट्स कौन है वर्टिब्रेट वो है जिनमें जिनमें की की किस में बदल गया है जिनमें की नोटोकॉड बदल गया है वर्टिब्रल कॉलम में जिनमें की नोटोकॉर्ड बदल गया है वर्टिब्रल कॉलम में या कशेरुक दंड में या कशेरुक दंड में पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु बदल गया है ठीक ओके समझ में आई बात आ जाइए फिर से वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रेटा के अंदर और कुछ कुछ क्लास है ठीक है तो वर्टिब्रेक वर्टिब्रेटा के अंदर क्या है कुछ क्लासेस हैं क्लास पाइसेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, एब्स एंड मैमल्स ठीक है एम्फीबियंस को हम उभयचर कहेंगे एब्स में सारी आपकी पक्षियां आ जाती हैं मैमल्स यानी आपके स्तनधारी आ जाते हैं रेप्टाइल्स में आपके सारे के सारे सरी सृप आ जाते हैं रेंगने वाले ठीक है ओके तो वर्टिब्रेटा के आगे और कुछ डिविजन होते हैं ये तो आप सबको पता है इसके अलावा एक और क्लास है जिसका नाम है क्लास साइक्लो साइक्लो शब्द का मतलब क्या है गोल स्टोमैटा शब्द का मतलब है मुंह यानी कि जिनका मुंह गोल होगा ठीक साइक्लोस्टोमैटा इनके पास कोई जबड़ा नहीं है ये जॉलेस हैं। ये जो है साइक्लोस्टोमैटा ये जॉलेस हैं। जॉ का मतलब जबड़ा यानी कि इनके पास कोई भी जबड़ा नहीं है कोई भी जबड़ा नहीं है तो वर्टिब्रेटा के अंदर आपको कितने क्लासेस पढ़ने हैं छह क्लासेस पढ़ने हैं पांच तो ये हो गए छठा अलग से लिखा हुआ है साइक्लोस्टोमेटा ठीक है साइक्लोस्टोमेटा कैसा दिखता है इस तरीके का दिखता है ठीक है ये देख रहे हो इसके पास कोई जबड़ा नहीं होता और इसका मुंह ऐसे गोल होता है ये है क्लास साइक्लोस्टोमेटा साइक्लो का मतलब है गोल स्टोमेटा का मतलब है कोई भी ओपनिंग या मुंह है ना जैसे पत्तों में स्टोमेटा होता है ओपनिंग होती है, तो का मतलब है कोई भी ओपनिंग तो है, 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 है आपको पता इसमें साइक्लोस्टोमेटा कौन सा है ये देख रहे हो ये जो काले रंग का है ये साइक्लोस्टोमेटा है ये मछलियों के ऊपर पैरासाइट की तरह परजीवी की तरह लगे होते हैं फिश इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है हाग फिश लैम्प्रे लैम्प्रे ठीक क्लियर है जल्दी जल्दी बताएंगे बहुत बहुत जल्दी से बताएंगे ये है साइक्लोस्टोमेटा जिनका मुंह पूरा गोल है चलिए फटाफट पट से बताइए जल्दी जल्दी से आंसर करिए क्या ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों को क्या ये चीजें क्लियर हैं क्लास साइक्लोस्टोमैटा मतलब जिनके पास कोई जबड़ा नहीं है जॉलेस हैं और जिनका मुंह गोल है ठीक है जिनका मुंह गोल है तो वर्टिब्रेटा में आपको छह क्लासेस पढ़ने हैं ठीक बाकी इन सब के पास जबड़े होते हैं बाकी इन पांचों के पास जबड़े हैं सिर्फ इसी के पास जबड़ा नहीं है इन सब के पास जबड़े होते हैं ठीक है क्लियर है फटाफट से बताएंगे डन है भाई सारी चीजें डन है तो क्लास साइक्लोस्टोमैटा क्लियर 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 चलिए बहुत बहुत बढ़िया अब कल की क्लास में हम लोग इन पांचों क्लास को पढ़कर खत्म करेंगे ठीक है कल की क्लास में आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे ठीक ये पांचों ये पांचों क्लास हम लोग कल कल क्लास में करेंगे और कल आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ठीक तो आ जाओ एक बार देख लो फिर से ये वाली चीज कॉर्डेटा के अंदर तीन अलग अलग सब फाइलम यूरोडेटा सिफेलो कॉडेटा वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा के अंदर आपने पढ़ने हैं छह क्लास पहला क्लास आज हमने पढ़ लिया साइक्लोस्टोमैटा साइक्लोस्टोमैटा ठीक है सिर्फ यही है जो है जिसके पास जॉ नहीं है जबड़ा नहीं है बाकी पांच जो होंगे इसके अलावा उन सब के पास जो होगा यानी कि जबड़ा होगा ठीक है इन दोनों को मिलके हम कहेंगे प्रोटोकॉडेटा दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे प्रोटोकॉडेटा ठीक चलिए ओके चलिए क्लियर है यहां तक बहुत बहुत बढ़िया फिर चलो तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं कल हम लोग मिलते हैं और कल इस चैप्टर को कंप्लीट हम लोग फिनिश करेंगे ठीक है तो कल की क्लास में आपका ये वाला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा डाइवर्सिटी बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग काफी क्लासेस से करते आए हैं बट क्या करे बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में दे रखी हैं तो कल हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए कल मिलते हैं थैंक यू बाय बाय गुड नाइट